जी अनिल जी, बताइए आप कैसे हैं। अच्छे हैं सर। अभी जी मतलब डबल डबल जो बोलने का जो ये था, मेरे को हाँ आदत थी और हाँ बहुत सी एंजाइटी आ जाती थी, तो फिर क्या करने का। फिर बहुत सी वीडियो देखे मैंने जी नेट पे, साइकेट्रिक्स के वगैरह भी देखे, लेकिन जी जो आपकी राहत मिली है आपकी वीडियो देखकर, जी वो दूसरे वीडियो से नहीं मिली। जी अनिल जी अगर कुछ भी, अगर आज भी एंजाइटी आई तो जी मैं आपकी वीडियो प्ले कर लेता, जी एकदम रिलैक्स हो जाता। अभी भी रिलैक्स है फिलहाल, तो जी 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 अनिल जी बहुत सही काम कर रहे हैं सर आप। जी धन्यवाद अनिल जी। अच्छा, किस तरह की समस्याएं आपको आ रही है जीवन में? मेरे को डबल डबल बात बात करने के, दोहराने की ज्यादा हाँ हाँ जी विचार आते थे, जी ऐसे विचार आते थे, लगभग कंटिन्यू विचार आते थे, एंजाइटी, कुछ जी के कुछ विचार मतलब बोल भी नहीं सकते अपन, इतने विचार और बहुत एंजाइटी आती थी, हाँ तो इसकी वजह से बहुत परेशान रहता था मैं। जी जी और जी फिर वो कैसे ओसीडी का मतलब बाहर के लोगों को नहीं समझता, एक हाँ आप जैसे और जिनको ओसीडी है वो ही समझ सकते हैं। हाँ दर्द तो वही समझ सकते हैं जो या तो ओसीडी वाले हैं या कोई एक्सपर्ट है। हाँ। जी 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 और मैंने कल भी एक वीडियो देखा सर आपका, तो उसमें भी बताया था कि ओसीडी वाले ज्यादा सोचने, उनकी कैपेसिटी रही थी, वो सही है सर, ज्यादा हाँ सोचने की कैपेसिटी उनको भगवान ने दी, लेकिन कभी कभी उसका ये बुरा असर भी हो जाता है। हाँ हाँ वो है ना, जैसे भगवान ने तो हमें एक स्वतंत्रता दी है, एक क्षमता दी है, उसका प्रयोग करना है या दुरुपयोग करना है वो इंसान के हाथ में है। हाँ, जी बराबर बराबर। जी 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 अनिल जी। अच्छा तो अनिल, बहुत, हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ आप बता रहे थे कुछ। तो बहुत मेरे को ऐसे एंजाइटी वगैरह होता था, तो अभी बिल्कुल मैं ओसीडी को हरा दूंगा, वाह, अगर आप साथ हो तो मैं तो हरा ही दूंगा। मेरे में अभी वो ये आया, कॉन्फिडेंस आया। जी 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 अनिल पहले जी कैसा था, कॉन्फिडेंस नहीं था, ये दवाई से कुछ नहीं होता सर। जी जी मैंने देखा, दवाई लेकर देखा, जी दवाई से खाली क्या होता है, ऐसी नींद जैसी ये होती है, उसका असर उतरने के बाद क्या होता है, फिर से वही हो जाता है, और जो जी एंजाइटी वो समझ में नहीं आती, जी अरे ये जी क्या हो रहा है अपने साथ, और जी परेशान हो जाता आदमी। जी 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 और फिर जो एंजाइटी उसकी, वो एक एंजाइटी होती है जी और जी उसके साथ में, और फिर ये दूसरी एंजाइटी होती है, ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ, जी जी उसमें ही फंस जाता है आदमी। जी अनिल जी लेकिन आपने जो सोल्यूशन दिया है जी वो जी एंजाइटी को ही तोड़ दिया है आपने, वाह, क्योंकि एंजाइटी इसकी वजह से होती है, हाँ इसके हाँ बारे में होती है, वाह तो सब पहले पता चला तो आदमी, इंसान को कैसा लगता है, ये तो अपना नहीं है, ये तो बीमारी का लक्षण है, इसलिए उसको राहत मिल जाती है जी जी और लड़ने का एक जज्बा भी मिल जाता है। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपने अपनी हाँ जिंदगी की कमान अब संभाल ली है, और इस जोत हो, को, इसको हमेशा जगाए रखना, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलेंगे सर। नहीं, मैंने खाली एक बार बात की थी आपसे, तो जी जी उसके बाद बात करने का था, जी जी लेकिन जो मैंने आपके वीडियो प्ले कर दिए, जी जी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो जी मेरे सबकॉन्शियस माइंड भी इतना भर दिया मैंने कि जी ओसीडी के बारे में नहीं आ रही है, वो है मैं, जी ये जी अपना ये, अभी अभी है, फाइट कर रहा मैं, लेकिन अभी मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहर आऊंगा। अगर नहीं, थोड़ा फर्म मेरे को दिक्कत भी हुई, जी तो जी आप है ही, हाँ मैं हमेशा हूँ, आप कभी भी। और ये आपने कैंपेन में, मैं भी मेरा सहयोग देना चाहता हूँ सर, हाँ आप जितने भी ओसीडी के लोग हैं जी जी उनको, मेरे को पता है कितना परेशानी होती है, तो जी 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 उनको एक मानवता के, इसके लिए मैं भी कैंपेन करूंगा। जी 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 आप वाह अच्छी बात कर रहे हैं, आपका मैं सहयोग दूंगा। वाह जी वाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आज ओसीडी से रिलेटेड जो एक तो लड़ रहे हैं उनमें आप शामिल हैं, और ओसीडी के फाइटर जो आने वाले दिनों में बनने वाले हैं उसमें आप शामिल हैं। तो हाँ हम यस सर, जी, तो अब ओसीडी को हराना है, और ये तो अपना मिशन है कि ओसीडी को मिशन हराना। मतलब बहुत ही जबरदस्त टारगेट बना लिया सर आपने, जी जी जो जी किसी ने नहीं किया वो जी आपने किया। बस ये हेल्थ आप हेल्थ मिनिस्ट्री आपके हाथ में होना चाहिए, ये मेरा तो ऐसा मानना है। जी, बस आपका सहयोग है तो सब कुछ है।
बस क्योंकि सर ये अभी कैसा है, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री भी नहीं करती है कुछ, बाकी जो फिजिकली जो हाँ ये उनके लिए वो काम करती है, हाँ लेकिन वो जो मेंटली जो जिनको सही राहत होना चाहिए, जिनको हाँ सही जरूरत है, जी उनको नहीं मदद दे पाती, समाज नहीं दे पाती, ना सरकार नहीं दे पाती, जी ना आपस वाले नहीं दे पाते, वो खुद से ही लड़ता है, खुद जी 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 से मन से उनकी लड़ाई होती रहती है, तो जी 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 उनकी परेशानी सिर्फ उनको ही पता है। जी 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 वास्तव में सही कह रहे हो। हाँ हाँ, और आपने बहुत दिलासा दिया सर, मैंने जी बहुत से वीडियो देखे आपके, जी जी आप जी वाकई ओसीडी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि जी 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 फाड़ के रख दिया आपने वो। वाह जी वाह, थैंक यू। और अब इस हाँ मिशन में आप शामिल हैं, आपकी आवाज़ और आपका सहयोग है कि हजारों लाखों युवाओं को जो ओसीडी से पीड़ित हैं उनको बाहर निकालेंगे। यस जी, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ओसीडी परिवार में और ओसीडी कैंपेन में शामिल हुए। थैंक यू सर। जी अनिल जी।